साथ रहने वाला टैंक मेट्स बेस्ट कौन सी फिशेस है, ये अगर जानना है तो यूट्यूब में इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है, गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे तो फटाफट बता देगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप लोगों को देखना है तो वो नॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो में आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। पहला कि कौन सा फिशेस रखेंगे और उसका साइज क्या होगा, कैसे उस फिश को ऐड करेंगे, कौन सा फिश ऐड करना एकदम जरूरी नहीं है, क्या दो अरवाना एक साथ रह सकता है। बहुत सारे दोस्त मुझे बोलता है, दादा आपके पास अगर इतना सारा अरवाना एक साथ रह सकता है तो हम लोगों के पास दो नहीं रह सकता। ये सारा जो डाउट है ये वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। सो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को देखिए, और अगर एंड में जाके लगा कि सही में इस वीडियो से नॉलेज मिला है, कुछ आप लोगों को फायदा हुआ, तो ही इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अरवाना रखने से पहले हम लोगों को उसका टैंक में कौन सा फिशेस होगा ये सब जानने से पहले थोड़ा सा टैंक का बारे में जान ले, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसी जगह पे बार बार गलती कर रहा है। मेरे पास बहुत सारा फोन आ रहा है कि दादा मैंने अरवाना ले लिया है लेकिन अरवाना फीडिंग नहीं कर पा रहा है, एक जगह बैठ गया है, ठीक से उसका जो नॉर्मल मूवमेंट है जैसा हम लोग देखते हैं वो कंटिन्यू घूमता है, घूम नहीं रहा है। तो मैं पहले ही जो पूछता हूँ कि आपका टैंक साइज क्या है, दादा 2 फीट, दादा 2.5 फीट, दादा 1.5 फीट। सो इतना सा जगह में अरवाना नहीं रहने वाला। अगर आप लोग कुछ दिन के लिए अरवाना कोई अच्छा जगह में ऑफर मिल गया, अरवाना लेके 1 महीना 2 महीना के लिए रख रहे हैं और उसके बाद आप बड़ा टैंक में उसको शिफ्ट करेंगे तो वो अलग बात है। अदरवाइज प्लीज आप 1.5 फीट 2 फीट ये सब साइज में आप अरवाना करना भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। इफ यू हैव दैट स्पेस कि आपको वो 3.5-4 फीट का टैंक आप कर पाएंगे तो ही अरवाना का सोचिए, वरना मत सोचिए। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये बताना मेरे लिए जरूरी था इसलिए मैं इसको ऐड किया। अब जो और एक गलती आप लोग कर देते हैं उसको भी अच्छा तरीके से इस पार्ट में समझने का कोशिश कीजिए तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा। बहुत बार आप लोग फोन करके बताते हैं कि दादा मेरा जो अरवाना है वो अपने में लड़ रहा है, दो अरवाना एक साथ में खरीद लिया, या फिर एक अरवाना मेरे पास था मैं उसके साथ और एक अरवाना ऐड कर दिया। सो एक चीज अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अरवाना टारगेट करता है, कोई भी फिश को टारगेट करता है। अगर उस वो अकेला किसी टैंक में है और वही टैंक में अगर और एक अरवाना आप डाल दिया तो क्या करेगा, एक दूजे को टारगेट करेगा। ये मॉन्स्टर फिश है तो ये चेजिंग वगैरह टारगेट वगैरह लड़ाई वगैरह करेगा। अब बहुत कोई दोस्त मुझको बोलता है कि दादा आपके पास तो हम लोगों ने इतना फिश देखा तो उस हिसाब से हम लोग भी एक फिश ऐड किया, आपके टैंक में तो एक एक टैंक में 70-80-100 अरवाना एक साथ रहता है तो हम लोगों के यहाँ दो नहीं रह पाएगा। यहाँ पे अच्छा तरीके से समझिए, अगर सिर्फ पूरा टैंक में 2 अरवाना है, मतलब एक था और आपने उसका टैंक मेट और एक अरवाना डाल दिया सिमिलर साइज का या थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा, तो वो लोग अपने में लड़ाई करेगा क्योंकि एक दूजे को ही खाली टैंक में दिख रहा है और दूसरा कोई फिश नहीं है। सो दे विल टारगेट ईच अदर। मेरा टैंक में क्या होता है, हम लोगों के यहाँ पे एक साथ बहुत सारा फिशेस रहता है सो वो लोग टारगेट मिस करता है, इसके लिए वो लोग एक साथ अपने में टैंक मेट्स हो जाता है इतना सारा फिश। लेकिन अकेले एक अरवाना के साथ अगर आप दूसरा अरवाना ऐड करेंगे एज अ टैंक मेट्स तो ये बहुत बड़ा गलती है। अब आते हैं वो बेसिक वाला क्वेश्चंस के ऊपर जो ज्यादातर दोस्त इस वीडियो में ढूंढना चाह रहे थे कि जनरली कौन सा फिशेस है जो अरवाना के साथ रह जाएगा। सो देखिए, पहला है अरवाना के साथ आप ऑस्कर रख सकते हैं, पैरोट रख सकते हैं, शिवरम रख सकते हैं, सेनेगल रख सकते हैं, स्टिंगरेस रख सकते हैं, प्लैक्टेल रख सकते हैं, और भी बहुत सारा फिशेस है जो आप अरवाना के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कहीं भी जाके गूगल में सर्च कीजिए तो आपको लिस्ट बता देगा। लेकिन वो ऐड करने से पहले आपको 2-3 चीज अच्छे तरीके से समझ लेना है। पहला, जो फिश आप ऐड करना चाहते हैं उसका साइज, आप अगर अरवाना 5 इंच का लिए है तो गलती से भी 4-5 इंच का पैरोट उसमें मत डालिए, ऑस्कर उसमें मत डालिए, आपका अरवाना को खत्म कर देगा। और अगर आपका अरवाना का साइज 12 इंच, मतलब 1 फीट या 1 फीट से थोड़ा प्लस है,
वहां पे अगर आप 3-4 inch का कोई ऑस्कर या पिकॉक बास या इस तरीके का फिश डालेंगे तो एकदम श्योर रहिए वो फिश को निगल जाएगा। सो साइज अच्छे तरीके से मेजर करके फिर अपने एरोना टैंक में दूसरा जो मैं नाम बताया वो सब फिशेस को ऐड कीजिए। अब देखिए हर एक फिश का साइज बताना इस तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने एरोना टैंक में जो फिश रखना चाहते हैं वो फिश का नाम आपका एरोना का जो एक वीडियो बनाइए, बना के मुझे डाल दीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बता दीजिए कि दादा इस एरोना के साथ में कौन सा साइज का ऑस्कर या पैरोट या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकता हूं। सो डेफिनेटली आवर टीम विल गाइड यू। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके पास एरोना है, मतलब समझ लीजिए आप मार्केट से 5-6 inch का एक एरोना खरीद के लेके गए, आपका 4-5 feet का टैंक है और वो आपके टैंक में बहुत दिन से ग्रो किया, ग्रो करके लगभग 1 feet 1 feet plus हो गया है। सो गलती से भी उस टैंक में सिंगल कोई फिश ऐड मत कीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि दादा मैंने तो जैसा देखा था वीडियो में कि कम से कम 8 feet 1 feet का अगर कोई फिश है तो उसके साथ अगर कोई फिश ऐड करना है तो कम से कम 6-7 inch का फिश ऐड करिए। आपने डेफिनेटली किया लेकिन एरोना ने उसको पूरा मार के उसको मतलब स्केल उल पूरा बिगड़ दिया, पूरा उसका टेल उल टूट गया और भी बहुत जख्मी कर सकता है उसको। ऐसा क्यों करेगा, वो इतना दिन से जो एरोना आपके टैंक में भरा हुआ है वो पूरा अपना एरिया बना चुका है, मतलब उस एरिया में सिर्फ उसका दादागिरी चलेगा। जब भी आप कोई एक फिश वहां ऐड करेंगे ना वो सीधा टारगेट करेगा, जैसा मैं इस वीडियो में बताया था शुरू में। लेकिन यहीं पे अगर आप 4-5 अलग अलग वैरायटी का फिश वही टैंक में डालेंगे तो भले वो एरोना मैच्योर है, भले उस पूरा वो टैंक में उसका टेरिटोरी है, लेकिन जैसा 4-5 अलग अलग फिशेस वहां घूमेगा ना सेम चीज होगा, वो टारगेट मिस करेगा और धीरे 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 वो कम्युनिटी बना लेगा। सो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो जो करते हैं आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब वो कीजिए और सबाई को भालो थकबेन और दूसरा वीडियो आ रहा है उसके ऊपर भी नजर रखिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।